केवल, अरे फिर से खाली ऐसा कर देना। हेलो वेलकम टू माय शो बॉबी द मैच इंडिया आइडल। दोस्तों मैं खड़ा हूँ बांद्रा पीवीआर सिनेमा में और अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा मैंने देखी। दोबारा क्यों देखी दोस्तों, इतनी घटिया फिल्म है, इतनी फालतू पिक्चर बनाई है अनुराग कश्यप ने कि उसका कोई हिसाब नहीं। इट्स बियॉन्ड योर लिमिट्स। आई बेट ये फिल्म अगर कोई देखकर मुझे समझाए व्हाट इज़ द फिल्म एग्जैक्ट, मैं मेरे बांद्रा का फ्लैट उसको गिफ्ट करूँगा अगर कोई मुझे समझाए ये फिल्म क्या बनाई है। डायरेक्टर अनुराग कश्यप, उन्होंने जो फिल्म बनाई है इतनी घटिया फिल्म बनाई है कि ऐसा लगता है आज दही हंडी है, जन्माष्टमी है, तो जो हंडी लगा देना हंडी उसकी जगह अनुराग कश्यप का सर लगाना चाहिए और फोड़ डालना चाहिए। पहला इतनी घटिया फिल्म बनाई है। और एक्ट्रेस तापसी पन्नू, वो जो फिल्में कर रही है शाबाश मिट्ठू, रश्मि रॉकेट, देन सांड की आँख, स्लोली फ्रॉम अ वुमन शी इज कन्वर्टिंग हरसेल्फ इनटू अ गुड लुकिंग मैन। क्या है कौन से एंगल से वो हीरोइन लगती है? पहले तो उसको हीरोइन बोलना बंद कीजिए। और दूसरी बात, ऑल द प्रोड्यूसर्स हु कास्ट तापसी पन्नू एज अ मेन लीड, उनके लिए एक मैसेज है, शी इज़ नॉट श्रीदेवी जी। तापसी पन्नू श्रीदेवी नहीं है जो हाउसफुल का बोर्ड बाहर लगाएगी। थिएटर में 4-5 लोग फिल्म देखने आते हैं तो उनको मेन लीड में मत लीजिए और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए। दोबारा फिल्म इतनी घटिया है कि मैं अनुराग कश्यप से बोलूँगा, दोबारा मुझे यहाँ से घर जाने का दो भाड़ा। इंटरवल में समोसे के साथ पॉइजन मांगा, लेकिन मुझे बोला पॉइजन मिलता नहीं यहाँ पे, वरना मैं पॉइजन पी के मर जाता। दिस मूवी इज एपिक डिजास्टर। मुझे तो घर जाना था एक्चुअली इंटरवल में, लेकिन बारिश गिर रही थी इसलिए मैं घर जा नहीं सका, मैं भीग जाता। लेकिन एक्चुअली बारिश नहीं हो रही थी, एक्चुअली भगवान ऊपर से रो रहे थे। वो लोग बोल रहे मैंने कहा अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को पैदा कर दिया तो जाके दोबारा इसकी फिल्म बनाते वो लोग। गाइस दोबारा अब 10 बार भी देख लो फिर भी आपको समझ में नहीं आएगी। दिस मूवी इज अ शिट मूवी। डोंट वेस्ट योर टाइम मनी एनर्जी ऑन दिस मूवी। ये फिल्म मैंने कैसे भी बर्दाश्त की कि बाहर बारिश गिर दी। डोंट वॉच दिस मूवी इवन ऑन गन पॉइंट। सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज बाबा सिंह, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।